दो बिरयानी के साथ एक बिरयानी फ्री, चाहे वो चिकन हो चाहे वो मटन हो। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चाचा फॉर यू चैनल। मुकेश कुमार और अभी हम लोग हैं पटना के चौक पे। चौक पे यहाँ पे एक बहुत ही खास जगह है जो कि आप बहुत पुराना सिटी होने के कारण यहाँ साथ साथ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है ना जिसका कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कल्पना से थोड़ा ऊपर है यहाँ पर के लोग जो हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं सभी लोग अपना पार्टी मनाने के लिए बाहर उधर जाते हैं, अपने पटना गांधी मैदान क्षेत्र में, पटना गांधी मैदान में, फ्रेजर रोड में, एग्जीबिशन रोड में और मौर्या लोग के पास अक्सर यहाँ जाते हैं यहाँ से पार्टी शार्टी मनाने के। लेकिन अब उनको घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक आ गया है फ्लेवर्स रेस्टोरेंट एंड मिनी बैंक्यूट, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अंदर की ओर जाएंगे। ये नीचे में थोड़ा आपको यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये पूरा श्रृंगार का सामान वगैरह और यहाँ पे टेलर्स हैं। और ये रास्ता जो है कि सीधा ऊपर बैंक्यूट्स की तरफ जाता है और ये रेस्टोरेंट भी है। जैसे ही आप यहाँ आते हैं तो ये आप देख पाएंगे। एक बराबर फैमिली है, 15-20 लोगों का फैमिली है, तो इस जगह पे आप आके एकदम बहुत अच्छा सा पार्टी मना सकते हैं। पार्टी शार्टी के लिए यहाँ पे बैंक्यूट छोटा सा मिनी बैंक्यूट है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप 20 लोग 25 लोग का आराम से, आप रनिंग में अगर देखा जाए तो 50-60 लोग आराम से यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हैप्पी एनिवर्सरी, यहाँ पे यानी कि आपका एनिवर्सरी भी इंजॉय कर सकते हैं। कुछ पार्टीज़ वगैरह भी यहाँ पे हुआ है जो कि, और यहाँ पे देखिए हैप्पी बर्थडे, इस साइड कुछ पार्टी यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी। इस साइड आप देख पाएंगे पूरा प्लेट्स बहुत अच्छे से सजाया हुआ है और ये इनका मेनू है। और मेनू में भी हम देखेंगे कि बहुत अच्छे से गोल्डन एंड ब्लू कलर, ब्लैक एंड वाइट कलर में बहुत अच्छे से दिखाया है मैंने। वेज स्टार्टर्स वगैरह है यहाँ पे और वेज मंचूरियन, जीरा राइस, ठीक है। और प्राइस जो है बहुत ही रिजनेबल है, 180 रुपीज़ मशरूम पेपर ड्राई, मतलब एकदम जो लोकल प्राइस है ना वही है प्राइस, प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है। और आप यहाँ आएंगे तो आप और भी चीज़ों का आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्राइस कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और लोग यहाँ पे कुछ कुछ ऑर्डर दिए हैं, क्या ऑर्डर दिया है ये हम लोग बात करते हैं कस्टमर से। बहुत सुना है फ्लेवर्स रेस्टोरेंट के बारे में कि इनका खाना का क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। कैसा लगा, स्पाइसी बहुत ज़्यादा या एकदम एकदम नॉर्मल, कम ऑयल, कम मतलब मिर्च मसाला जो भी होता है वो एकदम नॉर्मल। और सबसे बड़ी बात है कि अभी के हाई फाई वाले टाइम में इनका जो भी रेंज है, प्राइस रेंज, वो काफ़ी नॉर्मल है, ये एक बड़ी बात है। हमारे पॉकेट पे ज्यादा लोड नहीं पड़ने वाला है, पॉकेट में एकदम आपके पॉकेट को एकदम बजट में रखने वाला है। और सेफ्टी के साथ हम लोग यहाँ पे खाते हैं, मतलब अपने पटना सिटी में चौक एरिया में इस तरह से बैठ के खाने की व्यवस्था नहीं थी। आप सड़क पे, ठेले पे, रोड साइड फूड जो होता है वो हम लोग खाते थे इस तरह से। लेकिन अभी हमें एक सेफ माहौल मिला है, यहाँ पे घर जैसा फील होता है। और ऑर्डर करके काफ़ी व्यवहारिक है यहाँ के जो ओनर हैं संप्रत्य जी, और प्लस यहाँ के जो भी स्टाफ हैं सेफ भैया लोग, ये लोग सब लोग लोकल, हाँ पटना सिटी की बच्ची होंगी आपकी, हाँ ये मेरी बेटी है। देखिए एक माँ और बेटी आई है इवनिंग को अच्छे से एंजॉय करने के लिए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ का जो टेस्ट था वो बाकी रेस्टोरेंट से काफ़ी अलग था, काफ़ी टेस्टी था। हाँ। और एकदम बहुत मज़ा आया खा के, बहुत ही मज़ा आया। फिर दोबारा आना चाहती हैं इस जगह? जी ज़रूर ज़रूर। बच्चे लोग आएंगे यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए। आइए हम लोग थोड़ा और उधर का भी एरिया देख लेते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी यहाँ पे रिसेप्शन पे, और रिसेप्शन पे यहाँ पे हमारे साथ कुमार जी हैं जो कि यहाँ के ऑनर हैं, और फ्लेवर्स रेस्टोरेंट और बैंक्यूट्स का पूरा देख रेख इन्हीं के अंदर में होता है। बताइए सर, किस तरह का इम्प्रेशन आपको मिला कि आप ये स्टार्ट किए हैं पटना सिटी में? पटना सिटी में एक बहुत ही अच्छा माहौल आपने बनाया है, और पटना सिटी में मैं कहूँगा कि ऐसा चीज़ था नहीं, हम लोग पटना सिटी से अगर एग्जीबिशन रोड, फ्रेजर रोड जाना पड़ता था कुछ पार्टीज़ वगैरह के लिए, हमेशा 20-25 लोग का अगर किसी का बर्थडे है, अगर हम फैमिली को इन्वाइट करते थे बहुत छोटी जगह पड़ जाती थी। ये बहुत ही अच्छा एक थाट्स मुझे लग रहा है, आप बताइए आपको कहाँ से ये लगा? जी आपका कहना बिल्कुल सही है, जब पर्सनली हम लोग को भी खाना होता था तो मैं और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है हम लोग बराबर संडे को ठीक है पटना की ओर जाते थे कुछ बढ़िया खाने के लिए। यहाँ पे जो है हमेशा से कमी था, तो मैं एक्चुअली होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। होटल में बैकग्राउंड से हैं, वेरी गुड। मैं IHM शिलोंग से 2014 पास आउट हूँ, तो जब मैंने होटल मैनेजमेंट किया 2014 में, तो उसके बाद मैंने बहुत जगह 5-स्टार होटल्स में जॉब किया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। उसके बाद कोलकाता में एक हमारा रेस्टोरेंट हुआ करता था, तो लॉकडाउन में वो किसी कारण से मुझे बंद करना पड़ा। तो मुझे शुरू से इस बात का वो था कि मुझे अपने जगह पे पटना सिटी में एक बढ़िया मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट खोलना है,
जहाँ पे सारा चीज़ हो, इंडियन, चाइनीज, तंदूर, बिरयानी, ठीक है। तो ये उसको लेके इल्यूजन मैंने स्किल्ड जो सेफ्स हैं, ठीक है, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़, जितने भी सेफ्स और स्टाफ जो है सब बाहर से आपने मंगाया है, खासकर प्रोफेशनल स्टाफ, क्योंकि आप ऑलरेडी हाईली प्रोफेशनल है और ये लोग आपका 5-star, 4-star होटल्स में, ठीक है, अब्रॉड में, दुबई, कतर, बहरीन, ये सब जगह से एक्सपीरियंस लेके आए। पटना शहर में यूजुअली देखता हूँ कि लिखा रहता है रोल्स नॉट अलाउड इनसाइड द रेस्टोरेंट, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप भी फेस किया है इस चीज़ को, ये मुझे बहुत हर्ट किया। ये हर्ट करता है कि अगर कोई 50-60-100 रुपए का चीज़ अगर आपके यहाँ से परचेस कर रहा है, तो आप क्लाइंट, कस्टमर जो भी बोलिए, आप उनको इस तरीके का इंस्ट्रक्शन अगर लिख के चिपका रहे कि आप यहाँ बैठ के नहीं खा सकते हो, तो हम लोग को होटल मैनेजमेंट में सिखाया गया था कस्टमर ही सब कुछ है। आपका क्या प्राइस है सर रोल? मेरा 40 रुपये से स्टार्ट होता है, हाँ, और उसमें आपका 100 रुपीज़ तक का रोल है, मटन रोल है, चिकन रोल है, एग रोल है। मटन रोल भी आप रखे हैं? जी। मटन रोल का क्या प्राइस है? मटन रोल है मेरे यहाँ 75-80 रुपये। पटना में आपको बहुत ही रेयर जगह पे आपको मटन रोल मिलने वाला है, चिकन रोल, वेज रोल, पनीर रोल और मिक्स थोड़ा बहुत मिल जाएगा, चाउमीन वाउमीन डाल के भी मिल जाएगा, लेकिन आप अगर मटन रोल खोजेंगे ना, बहुत ही स्पेशलिस्ट जगह पे आपको आना पड़ेगा, पटना सिटी, पटना चौक पे। सब लोग रोल में 2 किस्म का सॉस डालता है, हम लोग 4 सॉस डालते हैं। क्या क्या सॉस है? टोमेटो, चिली, मायोनीज और शेजवान। शेजवान भी आप यूज़ करते हैं? 4 सॉस हम लोग अपने रोल्स में यूज़ करते हैं। शेजवान आप बनाते हैं या फिर? नहीं, हम खुद से बनाते हैं। चाइनीज के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज होता है, शेजवान जो बनाया जाता है ना, पूरा गार्लिक को, जिंजर को पूरा एकदम चॉप करके और रेड चिल्ली का जो है पूरा सुखा के, बहुत मेहनत होता है, बहुत प्रोसेस होता है उसको बनाने में, खास करके शेजवान सॉस। तो शेजवान सॉस ये अपना खुद का बनाते हैं, तो ये जो सॉस जो है ना, इसका आप टेस्ट लेना, तो आप इस जगह पर आप जरूर आए। कितना आपने अभी तक पार्टी वार्टी अटेंड करवा दी? हमने 5-6 एनिवर्सरी जी, बिल्कुल सक्सेसफुली एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, पब्लिक का क्या फीडबैक है आपका? किट्टी पार्टी, किट्टी पार्टी, हाँ, वो लोग जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है। और कितनी मात्रा में लोग आप और होली के बाद हम एक ऑफर लेके आने जा रहे हैं, 2 बिरयानी के साथ 1 बिरयानी फ्री, चाहे वो चिकन हो चाहे वो मटन हो, 2 बिरयानी के साथ 1 बिरयानी फ्री आने वाला है। और ये होली के बाद बस 2-4 दिन के बाद ही ये धमाका ऑफर आपके लिए स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 2 बिरयानी। और बिरयानी का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा भैया, अभी डिसाइड नहीं किए हैं, जब मार्केट में आ जाएगा वो चीज़, तो आपका पॉकेट बजट पे ही रहेगा, आपको कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करने वाला है। 99 रुपीज़ का कॉम्बोज है। क्या क्या दे रहा है? आपका नूडल्स है, राइस है, मंचूरियन है, चिली चिकन है, पनीर चिली है, इंडियन में भी है आपका कॉम्बोज। टेस्ट कैसा है, टेस्ट के बारे में? टेस्ट तो बहुत अच्छी है भैया, टेस्ट अच्छा है, मार्केट के हिसाब तो अच्छी है, बहुत अच्छी। कौन सा आपने ऑर्डर किया? चिकन, चिकन आपका? वेज रोल, वेज रोल है, पनीर रोल, वेरी गुड। बासमती राइस है, ये पूरा स्टीम आ रहा है इसमें, आप देख पाएंगे, और पूरा स्टोव्स वगैरह सब स्टैंड में ही है, और इधर कुछ कुकिंग चल रहा है अभी, और जो यहाँ के जो स्टाफ हैं वो भी पूरी तरह से ड्रेसअप हैं। ये मैरिनेट कर रहे हैं चिकन तंदूरी के लिए, और ये चिकन तंदूरी मैरिनेट होने के बाद चला जाएगा ओवन में। ओवन कहाँ पे है आपका? ये तंदूर है, अरे वाह, तंदूर इसमें, तो ये ग्रीन बोर्ड होता है ना, ये वेजिटेबल कट करने के लिए होता है। देखिए पूरा वेज जो है सेपरेट करके कट कर रहे हैं। ये कौन सा है? रोल का काटे कबाब, चिकन काटे कबाब, चिकन काटे कबाब, जी हाँ, वेरी गुड। कहाँ से हैं आप? जी हम कोलकाता, वेस्ट बंगाल से हैं। और दोस्तों फाइनली मैंने भी यहाँ पे कुछ ऑर्डर किया है, मुझे बेबी कॉर्न अभी बाहर सर्व हुआ था, मुझे बहुत अच्छा दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो वेज में मैं बेबी कॉर्न मंगाता हूँ। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि फाइनली मेरा आ गया है, और हम लोग इसको अभी टेस्ट करेंगे। बेबी कॉर्न 65, देखने में तो एकदम बहुत झकास दिख रहा है, आइए हम लोग इसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या है इसमें। थैंक यू। वाकई में बहुत अंदर टेस्ट है, बेबी कॉर्न 65 बहुत ही लजीज है,
एक प्लेट जैसा मैंने सोचा था उससे कई गुना बेहतर है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल मुझे नहीं दिख रहा है। आप दिखाएंगे यहाँ पे मेरे प्लेट पे, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है जिससे कि आपको खाने में दिक्कत हो। बहुत लजीज, कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। पहले तो मैंने बेबी कॉर्न ऑर्डर किया था, बाद में पनीर भी ऑर्डर किया और ये देखिए नान भी मैंने ऑर्डर किया। चूँकि टेस्ट करना होता है आप लोगों के लिए कि वाकई में यहाँ पे टेस्ट है कि नहीं। आप हमारा ब्लॉग देख के आएंगे इस जगह पे तो कम से कम टेस्ट आपको बराबर मिलना चाहिए।